नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आए हैं 3.3। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दंड आरे का प्रयोग करके निम्न का उत्तर दीजिए। ये हमसे बोल रहा है, तो दंड आरे गाइज आपके सामने ये जो आरे बन रहा है ना, ठीक है ना, ये कौन सा आरे है, दंड आरे का स्पेशली ध्यान ले रख रहे हैं। आरे कई प्रकार के होते हैं, पाई चार्ट इनको अंग्रेजी में चार्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना, ग्राफ ग्राफ भी बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो गाइज मैं आपको पहले इसको रीड करना बता दूँ। इस साइड है विद्यार्थियों की संख्या, इस साइड इनके पालतू जानवर है, कुछ ने कुत्ते बिल्ली खरगोश हेमस्टर शायद डोगी वोगी होगा कोई, और अन्य जानवर, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया गया है और ऐसे हमें इनको पढ़ना, तो मैं बिल्कुल आपको इजीली बता दूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, जो फर्स्ट कुत्ते वाला कॉलम है कितने हैं, 8 है, बिल्ली वाला कॉलम कितने हैं, 10 है, ठीक है। फिर ये देखिए, 2 है या 2 से ज़्यादा है यार ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ से यार इजीली बता तो देंगे इसको, कोई वो वाली बात नहीं है कि हमको नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहे, बस आपका एक एक डाउट मैं यहाँ से क्लियर करने वाला। तो ये 2 की सीट में इसलिए 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये, देखिए इसको आप देखिए, 4 और 6 के बीच मैंने किया 5, ऐसी सीधी सी बात है, ठीक है। ये जो आपका ये फोर्थ प्लेयर है, नहीं आ रहा मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर हम देख लेंगे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 से तो ज़्यादा है, 3 से कम है, सॉरी 4 से कम है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगी। यहाँ पर मैं देखिए थोड़ी थोड़ी ऐसे कर लूँ, ऐसे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, ताकि यार राइट अनुमान हो जाए आपको, बस और क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको बिल्कुल सब कुछ बताने वाला हूँ, बस आप टेंशन मत लो, जुड़े रहो। देखिए पहला, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो आपको देखना क्या गाइस, आपको ये नहीं देखना कि कौन सा, ये नहीं, सिंपली देखिए आपको इसमें देखना क्या है, सबसे बड़ा ये स्तंभ कौन सा आप बताइए मुझे, कॉलम यही तो है। इसमें देख लीजिए कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, और ये है किसका, बिल्लियों का। तो सर्वाधिक जो पशु है वो हो जाएगी बिल्लियाँ, और गाइज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देना 10। तो यहाँ पे आपका पहले का राइट आंसर हो चुका है बिल्लियाँ। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा इजी करके बताया जा रहा है। सबसे लोकप्रिय पशु कौन सा है, बिल्ली है। आगे देखिए, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो कुत्ते पे आइए, और ये कितनों का है, 8 का कुत्ता, और कितने विद्यार्थियों का, 8 विद्यार्थी का पालतू पशु है, क्या पालतू पशु है यार, दिख ही नहीं रहा, आई एम सो सॉरी। अब देखिए आप आराम से, दिख रहा है ना आपको, बिल्लियाँ कितनी गई, 10 है। यहाँ से आपने देखा था सबसे बड़ा कॉलम बिल्लियों का था, और कुत्ते का हमने पूछा था इसने क्वेश्चन में, तो कुत्ते कितने निकले, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु है, ठीक है। यानी कि 8 विद्यार्थियों ने कुत्ते पाले रखे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे यार, देखो सीधी सी बात है, बट मैंने यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाए हैं। इन 2 क्वेश्चनों को यदि आपने आराम से देख लिया, तो आपके सभी क्वेश्चन क्लियर है। अदर में देखिए आपको सीधी सी बात है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको ये करके बताने वाला हूँ, तो आ जाइए उस पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, कक्षा ये 5, 6, 7, 8, 10 तक दी है, इनमें विद्यार्थियों की संख्या यही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यार बिल्कुल यहाँ से तो हम होने नहीं देंगे, ठीक है ना। अब बाकी अब आप यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा, जिन्हें आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, ये हमसे बोल रहा है कि आप स्केल किस प्रकार से चुनेंगे। तो हम यार स्केल इसको बता देंगे, बिल्कुल ईजीली चुनेंगे, ठीक है ना। हम स्केल चुनने में बिल्कुल भी दिक्कत, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने देंगे, न आती है और न ही आने देंगे, ठीक है ना। तो आप आराम से देखिए बस। तो देखिए आपको एक तो ऐसे बना लेना है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, पूरा बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है पैमाना, और पैमाने में आप ऐसे लिख लेना एक बड़ा खाना, क्योंकि ग्राफ हो, ग्राफ में गाइज मैं समझाऊंगा आपको आगे। एक बड़ा खाना बराबर आप लिख लेना 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए मैं 10 10 के बना, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। अब आपको देखो बना के नीचे लाइन खींच रखी है ना, मैंने खींच रखी, ठीक है। अब आप आराम से देखिए, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये 10 है, ये कितने का है, 20 30 40, यार हिंदी में ज़्यादा कम वर्ड है, 50
60 ठीक है ना, 70 80, क्योंकि यार भी आप बोलोगे कम कैसे बनाए, क्योंकि फिर दूरी ज़्यादा चली जाती, 90 ठीक है ना, 100, इसके बाद में कितना आएगा, 110, 120, इससे ज़्यादा भी है क्या, 135 भी है। तो गाइज आप ऐसे ऐसे करके मान लेना कि यहाँ पे 135 आता है, 130 के बाद में ये मानो आप 130 है, और ये यहाँ पे मान लेना आपकी 140 है ठीक है ना, 135 मैं लगा दूंगा इनके बीच में। तो गाइज ये इस साइड जो है ना, ये आपके क्या है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी। और नीचे क्या आएगी, नीचे आएगी कक्षा, कक्षा आएगी यानी कि क्लास ठीक है, तो क्लास भी आपको आराम से बताएंगे। अब कितनी कितनी क्लास है, देखिए यहाँ पे आपकी 5th क्लास आ जाएगी, यहाँ पे मैं 6th का कर दूंगा, यहाँ पे मैं 7th का कर दूंगा, यहाँ पे मैं 8th का कर दूंगा, यहाँ पे मैं 9th का कर दूंगा, और यहाँ पर आकर मैं 10th का कर दूंगा। लाइन को थोड़ी सी हम बड़ी करते हैं, अब आ जाइए बिल्कुल आराम से ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या, सारणी में आते हैं, 5वीं क्लास में 135 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 135 विद्यार्थी हैं। तो करना क्या आपको, आपको सिंपली स्केल ले लेना है ठीक है, 135 विद्यार्थी आपको दिख रहे हैं, बस यहाँ पे आ जाइए इसमें 135, देखिए ये 130 ये 140 इनके बीच का होगा यहाँ पर ठीक है ना। तो इसको ऐसे लगाइए और ऐसे नीचे ले आइए, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस ये हो चुका आपकी 5th क्लास, 5th क्लास हो चुकी है। नेक्स्ट में आ जाइए अब आप, अब आपके 6th क्लास जिसमें 120 मैं आपको दिखा दूँ, 120 आपको दिख रहा है ना, 120 है, 120 गाइज आप वाले में यहाँ पे है, तो आप लगा दीजिए 120 को भी, ये मैंने खींचा ठीक है, और ये मैंने खींचा, ये मेरा आ चुका है यहाँ से ऐसे करते करते 120 ठीक है ना, ये 6th क्लास हो चुकी। अब मुझे 7th क्लास लगानी है, 7th क्लास में 95 है, ओनली कितने हैं, 95, 95 का कॉलम यहाँ से आएगा ठीक है ना, तो ये आप यहाँ पर लगा दीजिए 95 वाला, ये 95 आप समझ में आपके आ चुका होगा, 95 मैंने लगा दिया ठीक है। अब देखिए 7th क्लास का लगा दिया, 8th क्लास में कितने 100 है, 100 है पूरे के पूरे, कितने 100 है ठीक है, 100 वाला है आप यहाँ पर लगा दीजिए, ऐसे नीचे मिला देना रे यार ठीक है ना, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, देखिए नीचे लिख रखा है 8वीं। अब 9th क्लास आ रही है, देखिए 9th क्लास में कितने गए आप, देखिए 90 हैं, 90 है, तो आप इस पे आइए, क्योंकि यार मैं ऊपर नीचे करना इसको भूल जाता हूँ, और एक बार ही मैं दिखाई नहीं देता कितने 9th में 90 हैं, 90 हम देखें तो यहाँ पर आ रहे 90, ये लो आपका 90 ठीक है, 90 आ चुका है गाइस। अब कितना है, 10th में 80 विद्यार्थी आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला भी दिख रहा है, ये यार अच्छा है, ये मुझे पसंद आया थोड़ा ठीक है ना। तो आप इसको सीधे सीधे ले आना, स्केल से ऐसे सीधे करके लिया मुझे, वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे लाते हो इसे ठीक है ना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ले आना, कोई वो वाली बात नहीं है कि ऐसे लाओगे तभी मान्य है तभी सही है, वो नहीं है ठीक है ना गाइस। तो ये भी मैंने बना दिया है आपके सामने, देख सकते हैं बिल्कुल इजीली, सब कुछ आपको एकदम इजीली दिखाई दे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये 5th क्लास है, इसमें विद्यार्थी थे 135, इसलिए मैंने ये कॉलम यहाँ से लिया ड्रॉ कर दी ठीक है। फिर देखिए इसमें 6th क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 120 आपको पढ़ना बता रहा हूँ। 7वीं क्लास में कितने विद्यार्थी है, 95। 8वीं क्लास में कितने विद्यार्थी है, 100। 9वीं क्लास में कितने विद्यार्थी है, 90। 10th क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 80। सब कुछ हमें इसको देखने से पता चल रहा है, और बिल्कुल इजी है ये ठीक है ना। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया, एक बड़ा खाना ये खाने होते हैं आपके, ऐसे ग्राफ में खाने होंगे ठीक है ना, आप वो देख लेना, मैं ग्राफ लाऊंगा तब आपको पैमाना भी बता दूंगा ठीक है ना। स्केल आगे देखिए, किस कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी हैं, तो यार बी का पहला पूछ आप स्केल, तो स्केल तो हमने यहाँ पर चुन दिया, ये तो आपका एक आंसर हो चुका है। अब गाइस बी का हम करते हैं, बी में भी पहला करते हैं, किस कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी, तो आपको ये देखने की जरूरत, किस में अधिक, सबसे बड़ा कॉलम देखिए 5th क्लास में है, 5th मैंने लिख दिया ठीक है ना गाइस। तो अब बात करते हैं बी के सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में देखिए, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है, तो गाइस आप देखिए कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी है, 120, अनुपात का चिन्ह लगा लीजिए, और कक्षा 8 में विद्यार्थी कितने हैं, 100। सो अब देखिए आप इनको काटोगे 20 के पाड़े से, आप इनको काटिए, ये 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो 6:5 है वो आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज और ज़्यादा क्वेश्चन है ना मैंने इसलिए नहीं लिए, क्योंकि यार इन क्वेश्चन करवाने में दिक्कत होती है ठीक है ना। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बहुत शानदार करवाए हैं,
फिर भी आपको कहीं पे भी लगा हो कि यार ये है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए आगे एक प्रश्न और मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, वो देखिए आप, किस कक्षा में न्यूनतम, न्यूनतम यानी सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, यानी कि बी का जो सेकंड है ना, ठीक है ना, इसमें भी आप देख लेना, फर्स्ट के में एक वाल्ट और है, किस में न्यूनतम है, अधिकतम 5th में, बट न्यूनतम किस में है, 10th में, 10th में देखिए 80 है, तो 10th, 10th में सबसे न्यूनतम है। तो गाइज समझ में सब कुछ आपके आ चुका होगा, तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।